ये मोतीराम का बच्चा कहाँ चला गया? मोतीराम, मोतीराम, ये चल बैग मुझे दे दे वरना चीर के रख दूंगा। नहीं ये बैग मैं नहीं दे सकता, ये मेरी बेटी की जान है। चल चल बदमाश, क्या समझा था तूने? कानून मर गया शहर में? तेरे जैसे कई बदमाशों को मैंने ठिकाने लगाया। नहीं जानते मेरा? साधना सिंह है मेरा नाम। देने दे ऑफिसर, देने दे। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। अच्छा? अगर इस शहर में तेरा जीना आराम नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी पकिया नहीं पकिया, समझे? अरे तेरी तो आपका फोन। किसका फोन है? अमर साहब का फोन। नहीं नहीं बोलिए, क्या बात है? वो शाम को कितने बजे घर आ रही हो तुम? बस कुछ ही देर में निकलने वाली थी, कोई खास बात? हाँ वो एक मकान देखने चलना था, अगर तुम वक्त पे घर आ जाती हो तो फ्रेश होकर निकल चलेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। ओके या बाय, आई विल सी यू देयर, बाय। अबे ओ पकिया, ये तेरा ससुराल नहीं लाकप है। अगर आज तू घर में होता ना तो वहां पर खाता मुर्गी के अंडे और यहाँ पर खा रहा है हमारे साहब के डंडे। चुप रे, तुकाराम, तुकाराम, तुकाराम। साहब गए? साहब गए? अरे यार ये पकिया बड़ा लकी है, आज अमर साहब के फोन की वजह से ये धुलाई से बच गया। अच्छा? और हमारे जो साहब है ना, यहाँ पर जितने कड़क है ना, अमर साहब के सामने उतने ही नरम है। अच्छा, लेकिन ये अमर साहब है कौन? आए, तू अमर साहब को नहीं जानता? नहीं। अरे वही हमारे साहब के साहब। अच्छा, कमिश्नर साहब। अबे हट, घर वाला। घर वाला? ये है वो मकान। मकान तो बहुत अच्छा है, शहर के शोर से दूर, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं होगा। इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये बताइए कि आपकी नजर इस मकान पर कैसे पड़ी? वो बोर्ड देखकर। ओह, काफी तेज नजर है जनाब की। तेज नहीं होती तो आप पे कैसे पड़ती? मौका मिलते ही रोमांटिक हो जाते हो। खैर अब ये बताओ, डन करें इस मकान को? हाँ डन कर दो, कल आकर हम इस मकान के मालिक से मिल लेंगे। ठीक है। चले। वो मकान आपने बाहर से देखा है? जी हाँ, मकान तो आपका अच्छा है, आप कुछ डिपॉजिट और किराए के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए यदि आपको मकान पसंद आया हो तो किराया होगा 2000। 2000? उसके लिए आपको 6 महीने का किराया पेशगी में देना होगा। सच में इस मकान का किराया सिर्फ 2000 रुपए? जी हाँ, मैंने 2000 ही कहा। लीजिए
समझिए आपका मकान हमने किराए पे लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि कहीं आप किराया बताने में कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, यदि आप मकान लेने में कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो मैं किराया बताने में भी कोई गलती नहीं कर रहा हूं। एक बात और जानना चाहते थे, ये मकान जैसा बाहर से दिखता है क्या अंदर से भी उतना ही अच्छा है? जी हाँ, अंदर भी कोई खराबी नहीं है मकान में। दरअसल ये मकान एक साल से खाली पड़ा था। अच्छा अच्छा, पेमेंट कैसे लेंगे आप? चेक से दूं चलेगा ना? यदि आपको मकान पसंद आया हो तो चेक दे दीजिए। चेक? किसके नाम से बना दूं चेक? मेरे नाम से लिखिए, अशोक भूषण नाम है मेरा। एक मिनट। देखिए, जब आपने ये मकान लेने का फैसला कर ही लिया है और अब आप चेक पर सिग्नेचर भी करने जा रहे हैं, तो ईमानदारी के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको इस मकान के बारे में वो बात बता दूं जो बात आप नहीं जानते। कौन सी बात? सही और सच्ची बात तो यह है, लोगों का कहना है कि मेरा यह मकान भूतिया है। क्या? जी हाँ, दरअसल एक साल से कोई भी किराएदार के ना आने की यही एक वजह है। मैंने तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं देखा है उस मकान में, लेकिन एक साल पहले जो किराएदार रहते थे उनके छोड़ने की भी यही एक वजह है। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी आपकी कि आपने मकान किराए देने से पहले हमें कुछ सब कुछ सच सच बता दिया और हमने ये फैसला किया है कि हमने आपका यह मकान। मैं जानता था कोई भी ये बात सुनकर ये मकान लेने को तैयार नहीं होगा। जी नहीं अशोक साहब, आप गलत सोच रहे हैं। यूं समझिए कि हमने आपका यह भूतिया मकान लिया। देखो जॉली, मैंने तुमसे कहा था ना, मकान के मालिक ने मुझे कहा था कि इस मकान में भूत है। अब तुम देख लो भाई, तुम डरोगे तो नहीं? सोच लो जॉली। अब तो अपनी मम्मी को तो जानते ही हो, कभी इनके दिन की ड्यूटी होती है तो कभी रात की, और मुझे भी कभी कभी कराटे क्लासेस से आने में देर हो जाएगी। अब तुम अकेले और डोंट वरी डैडी, मेरी मम्मी एसीपी ऑफिसर और मेरे डैडी कराटे चैंपियन और मैं आपका बेटा ब्लैक बेल्ट बड़ा है। घर के बैक साइड में देयर इज अ गार्डन आल्सो। अच्छा? हाँ, चलो दिखाता हूँ। चलो चलो, कम जॉली। मम्मी देखो ये कुआं भी है। तेरे जॉली संभालो, कहीं गिर मत पड़ना। सच में यहाँ पे तो कुआं भी है। चलो बेटा, अब घर चल के सफाई करें, बहुत गंदा है घर। चले चलो मम्मी की हेल्प करें। स्वागत करो, भूत महाराज आ गए। हवा से बाल्टी अंदर गिर गई होगी। चलो, चलो चलते हैं।
मकान की सफाई करनी है, उसे रहने लायक तो बना ले। I know. क्या बात है सकाराम तुकाराम? जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। मैडम जी एक बात पूछे आपसे। पूछो। हमने सुना है वो बोरी वल्ली वाला मकान कुसुम भवन आपने किराए पर लिया है? हाँ लिया है, पर तुम्हें कैसे पता चला? साहब जी आपको उस मकान के बारे में मालूम नहीं है क्या? पता पता बूटा बूटा उस मकान के बारे में जाने हैं, वो मकान बहुत मशहूर है। अच्छा किस बात के लिए? भूत प्रेत के मामले में। क्या? अगर आपने हमें पहले इंसल्ट किया होता, नहीं कंसल्ट किया होता, तो हम आपको बताते कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। वहाँ पुलिस का क्या काम? वैसे भी हम जिंदा लोगों को पकड़ते हैं, भूत प्रेत को नहीं पकड़ते। हाँ बहुत अच्छा किया सखाराम तुकाराम, तुम लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया। सॉरी इट इज आवर ड्यूटी, भूत प्रेत का मामला है ना। अब मेरी एक बात भी गौर से सुन लो। बोलिए। दोबारा कुसुम भवन का नाम मेरे सामने मत लेना, वरना वरना क्या साहब? वरना तुम दोनों की ड्यूटी कुसुम भवन में लगा दूंगी, वो भी रात के समय। अरे बेटा अब पढ़ना बंद करो, दूध पी के सो जाओ। रात बहुत हो गई। थैंक यू। Oh my God. का काम है, सारे बर्तन गिरा दिए और तोड़ भी दिए। अब तुम टेंशन मत लो, जो होना था वो तो हो ही गया। इतनी गंदगी कर दी किचन में, अब क्या करें? मैं उठा देता हूँ। आप क्यों उठाएंगे? कल सुबह भाई आएगी, वो उठा देगी। जैसे आपकी मर्जी। चलो चलो। चलिए मैं आती हूँ। कुछ नहीं, आप सोइए, मैं देख कर आती हूँ।
नमस्ते मैम साहब। नमस्ते राम भैया, आओ आओ। आज तो तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया। कोई मेहमान आया घर में? मेहमान नहीं, तूफान। कल रात को किचन में एक बिल्ली घुस गई थी, उसने सारे के सारे बर्तन नीचे गिरा दिए। मैम साहब आप फिक्र मत करो, सब उठा के मैं रख दूंगी। क्या बात है रमा भाई? अरे मैम साहब मस्करे खेलने के लिए मैं मिली थी। कहाँ गिराया बिल्ली ने बर्तन? समझ गए, ये हमारे प्यारे पति देव का काम लगता है। ये क्या जी, सुबह सुबह भगवान की पूजा नहीं, फोन के पास बैठ गया? अरे हाँ भगवान, जब जब कोई किराएदार उस मकान में रहने गया तब सुबह सुबह फोन की घंटी बजी है। आज दूसरा दिन हो गया है, कोई फोन ही नहीं आया। अब कोई फोन आएगा भी कैसे, उस मकान में रहने के लिए बड़े भूत जो गए, वो भी डंडे वाला। अब तो उस भूत की दाल गलने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी की शरारत है, समझे? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हमने तो कभी किसी को देखा ही नहीं। अब भगवान ही जाने क्या सही है और क्या गलत। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो शुरू करो। आप ही का इंतजार हो रहा है। आओ चलिए, मैं आ गई। आपकी आज फेवरेट सब्जी बनाई है मम्मी ने, ये लो। हे भगवान, ये बिल्ली मौसी तो रोज यहाँ बर्तन गिरा देती है। अमर कल आपने वापस रख दिए थे, आज वापस मत रखना। सुबह भाई आएगी काम वाली तो वो अपनी जगह पर बर्तन रख देगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम, मैंने कल बर्तन कब उठाए? क्यों, आज सुबह तो सारे बर्तन अपनी जगह पर सजे रखे थे, मैंने सोचा आप नहीं रखे होंगे। और मुझे लगा सुबह काम वाली उठा कर रख गई होगी। कमाल है, बर्तन काम वाली ने नहीं रखे, बर्तन आपने भी नहीं रखे, तो बर्तन रखे किसने?
तुम इस वक्त हाथ में पिस्तौल लिए यहाँ क्या कर रही हो? अमर, अमर इस घर में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मुझे लगा जैसे मैंने एक साया देखा, मैंने बढ़कर उसका पीछा किया तो वो गायब हो गया। What do you mean by गायब हो गया? वो क्या कोई भूत प्रेत था जो अचानक गायब हो गया? ये बात तुम कह रही हो? एक मिनट, यू मीन टू से दिस हाउस इज हॉन्टेड? नहीं नहीं, हॉन्टेड नहीं, ये जरूर किसी बदमाश की शरारत है। मैंने अभी उसे पकड़ ही लिया होता कि आप, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ सखाराम तुकाराम, आज शाम से तुम दोनों की ड्यूटी मेरे भूतिया बंगले के बाहर रहेगी। साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या? क्या गलती होने पर ड्यूटी लगाई जाती है? नहीं साहब, वो क्या है, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं। और एक बात सुनो, वहाँ तुम्हारों की मुठभेड़ किसी गुंडे बदमाश या फिर किसी खतरनाक मुजरिम से भी हो सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। गुंडे और बदमाश से लड़ते लड़ते तो हमारी आधी उम्र निकल गई है साहब। समस्या इस बात की नहीं है साहब, समस्या तो इस बात की है जब हवाओं से लड़ना पड़े, भूत प्रेत और चुड़ैलों से लड़ना। शाम 7 बजे मेरे बंगले के बाहर, समझे? शट अप। अरे काश मैं साहब होता तो मुझे चक्कर नहीं मारने पड़ते। अरे चक्कर मार मार के मेरे पैरों में दर्द हो गया। अरे चक्कर मार मार के तू थक गया घन चक्कर। तुझे पता है जिस गेट के बाहर हम पैरा दे रहे हैं उसके अंदर जो मकान है वहां पर क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? अरे मुझे पहले वाले साहब ने बताया था। क्या बताया था? कैसे बताऊं? मुझे बता। बताता हूँ, लेकिन कैसे बताऊं? अंदर कोई चोर है क्या? नहीं। अंदर कोई डाकू है? नहीं। अंदर कोई लुटेरे है? नहीं। तो अंदर कोई खूनी है? नहीं। अब तो फिर अंदर कौन है? भूत। बहुत रात होगी बीबी, आप अभी सोओगे नहीं तो फिर सुबह उठ के स्कूल कैसे जाओगे? जल्दी उठना है ना। मैं नहीं सोऊंगा। अगर आपने रात को भूत पकड़ लिया तो मैं उसे कैसे दिखूंगा? हाँ, अगर रात को हमने भूत पकड़ लिया तो हम आप लोगों को उठाकर दिखा देंगे। मुझे कोई शौक नहीं है भूत वूत देखने का, प्लीज मुझे मत जगाना। पर मुझे तो है। मुझे तो है। एक बात बताऊं, ये भूत वूत सब झूठी बातें हैं, सच में भूत होता ही नहीं है। लोग ऐसे हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए भूत की बातें करते हैं, समझे? आप नहीं डरना, मैं हूँ ना। ठीक है, अगर कोई सचमुच का भूत आ गया तो मुझे जरूर जगाना। ठीक है, अगर फिर भी कोई सचमुच का भूत आ गया तो हम आपको जरूर जगाएं। ओके, आप क्या सोच? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटा। आज रात को क्या भूत को पकड़ने का इरादा है? जाइए, आप भी सो जाइए। तुम्हें अकेला छोड़ दूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी 2-3 बदमाशों से तो मैं अकेले निपट लेती हूँ। तो तुम क्या रात भर जगती रहोगी? नहीं, थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊंगी। चलो सो जाते हैं। वैसे भी जरा सी आहट से तुम्हारी आंख खुल जाती है। क्या करूं, शागिर्द किसकी हूँ, आप ही ने सिखाया कराटे ये वो। तो चलें। चल। अरे भूत नहीं है तुकाराम, मैं हूँ सकाराम।
अबे सखाराम, तुझे शर्म नहीं आती? काले वस्त्र पहनकर मुझे डराता है? अरे मैं डरा रहा नहीं था, मेरी नानी ने कहा था कि काले वस्त्र पहनने से भूतों को मनुष्य दिखाई नहीं देते। अरे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। और चुप कर, कितनी अच्छी नींद आ रही थी, ड्यूटी पे सोता है तो शर्म नहीं आती? यही तो वक्त होता है भूतों के आने का। यू आर राइट, मेरी नानी ने मुझे कहा था कि जब तक इंसान जिंदा रहता है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन इंसान जब मरकर भूत बन जाता है तो टाइम का बड़ा पंक्चुअल हो जाता है। अरे सगाराम, अगर सचमुच भूत आ गए तो हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों क्या करेंगे? अरे जो करना हो तो भूतों को करना है। जॉली को देखिए, मैं बाहर जाके देखती हूँ। बंद करो, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ो वरना इस पिस्टल की गोली तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगी। एक बार तो ये गोली सीने के पार हो चुकी है, अब क्या मरे हुए को मारूंगी? नाटक मैंने बहुत बार देखे हैं। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त एक पुलिस अफसर के सामने खड़ी हो और तुम्हारे यहां से बाहर जाने का हर रास्ता बंद है। मेरी जिंदगी के तो तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए तो आज मेरा ये हाल है। तुम चाहे जितने भी बहाने बना लो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत आज जानकर ही रहूंगी। और मैं अपनी असलियत बताए बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। आज जिस घर में आप रहती हैं वहां कभी मैं रहा करती थी। क्या? हाँ, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी। बेटी? हाँ। अब जब आप इस घर में नहीं रहती हैं, तो फिर यहाँ आके किरायेदारों को परेशान क्यों कर रही हैं? क्यों उनकी नींद हराम कर रही हैं? मैं परेशान कर रही हूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ। जिस माँ से उसकी बेटी छीन ली जाए वो भला किसी को क्या परेशान करेगी? किसने छीना आपसे आपकी बेटी को? मेरे पति और मेरी सौत ने। तो इसके लिए आपको कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कानून जब जिंदा लोगों की नहीं सुनता तो मरे हुए की क्या सुनेगा? आप बार बार अपने आप को मरा हुआ कहकर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कोई जीती जागती औरत नहीं, मैं एक हवा का झोंका हूं, मैं आत्मा हूं।
साधना अमर वो क्या हुआ साधना, क्या देख रही हो? वो सचमुच में आत्मा थी। ये तुम किसकी बात कर रही हो? वही जो अभी यहाँ थी अमर, मैं तो उसे जीते जागते इंसान के रूप में बदमाश या मुजरिम समझ रही थी, लेकिन वो तो ये तुम्हें क्या हो गया साधना, ये तुम कह रही हो? हाँ अमर, ये सब मैं कह रही हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है, वो किचन में बर्तनों का गिरना और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाना, वो कुएं में बार बार बाल्टी का गिरना, ये सब। लेकिन साधना अमर, मैं बिल्कुल होशो हवास में बात कर रही हूँ, ये मेरा कोई भ्रम या झूठ नहीं है, ये सच्चाई है और मैं इस सच्चाई के बारे में पूरी तरह से जानना चाहती हूँ। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरा एक किराएदार था, उसकी पत्नी की मौत एक हादसे में हो गई थी। उस समय उसके पास एक 5-6 साल की बच्ची थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो किराएदार घर को छोड़ के चला गया। उसके बाद जो भी किराएदार इस मकान में रहने आया, उनकी यही शिकायत थी कि इस घर में कोई प्रेत आत्मा रहती है, मगर मैंने तो आज तक कोई प्रेत आत्मा ना देखी ना सुनी। क्या नाम था आपके इस किराएदार का? एसीपी साहब, जब वो उस घर में था तो उसका नाम बाबूलाल था, मगर अब उसका नाम बाबू भाई मुल्तानी है। बाबू भाई मुल्तानी? जी हाँ, दुनिया ही बदल गई है उसकी। उसने किसी माफिया की बेटी से शादी कर ली है। अब उसके पास पैसा भी है और ताकत भी। अब तो उसकी बेटी की उम्र भी 10-11 साल हो गई होगी। जिस माँ से उसकी बेटी छीन ली जाए, वो भला किसी को क्या परेशान करेगी? मैं चलती हूँ। मैं तो खुद परेशान हूँ। जिस माँ से उसकी बेटी छीन ली जाए, वो भला किसी को क्या परेशान करेगी? Thank you.
तुम? क्या बात है, आज किचन में ना तो बर्तन गिरे, ना काली बिल्ली दिखाई दी, ना ये बाल्टी, और फिर आज तुम्हारे रोने की सिसकियां भी नहीं सुनी। और आप भी बिना किसी इशारे के, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे यहाँ पर चली आई, जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैंने आपका ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया है। शायद तुम ठीक कह रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? जब जिंदा थी तो कमला नाम था मेरा। कमला? मुझसे क्या चाहती हो कमला? इसी भी साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मरने के बाद भी मेरी बेचैन आत्मा उसके लिए तड़प रही है, क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। उसकी सौतेली माँ उसे मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर माँ सौतेली है तो क्या हुआ? उसका बाप तो उसका अपना बाप है ना, वो तो उसके साथ होगा। बाप अगर उसके साथ होता तो फिर मुझे किस बात का काम था? अगर उसके बाप को उसकी परवाह होती तो आज मैं इस तरह साया बनकर आपके सामने ना खड़ी होती। उसका बाप बाबूलाल इंसान की शक्ल में भेड़िया है, और उसकी सौतेली माँ डायन वो किसी खतरनाक बाप की खतरनाक बेटी है, और बाबूलाल पर उसके प्यार का जादू इस तरह चल चुका है कि वो उससे कुछ भी करवा सकती है। एसीपी साहब, वो दोनों मेरी बेटी को मार डालेंगे। मेरी बेटी की जान खतरे में है। आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए आप, ना जाने वो किस हाल में होगी। नहीं खाया जाता मुझसे खाना, नहीं खाया जाता मुझसे खाना, खाते ही चक्कर आने लगते, तबीयत बिगड़ने लगती है। प्लीज प्लीज मुझे खाना मत दो। तो तू ये कहना चाहती है कि मैं तुझे खाना नहीं, जहर खिला रही हूँ? कब तक मरी को मामा बोलती रहेगी? मेरी बात क्यों नहीं मानती? चल खा ये खाना। आंटी आप मुझे जहर दे दो, जहाँ मेरी माँ गई है मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा तेरी जबान चलने लगी आजकल। हाँ क्या बात है? क्या हुआ? समझाओ इसे, जब देखो मामा करके रोती रहती है। मेरी तो जान की दुश्मन बन गई ये लड़की। पापा मुझे खाना नहीं खाया जाता, आप आंटी से कहो कि मुझे खाना नहीं खिलाए। इस घर में वही होगा जो ये चाहती है, समझी? चुपचाप खाना खाओ। साहब। क्या है? आपसे मिलने एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई है। मुझसे? ठीक है बैठा उसे। ठीक है साहब। संभालो इसको। नहीं नहीं खाना मुझे खाना, नहीं नहीं खाना मुझे खाना, नहीं नहीं। चुपचाप ये खाना खा। हेलो बाबू भाई, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साधना सिंह। आओ बैठो। क्या पियोगी तुम? कुछ नहीं थैंक यू वेरी मच। दरअसल मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो। आप किसी पक्या नाम के बदमाश को जानते हैं? एसीपी, ये बाबू भाई का घर है। जी मैं जानती हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते हमने एक पक्या नाम के बदमाश को पकड़ा, जो रोड के किसी लूटमारी के इल्जाम में पकड़ा गया। वो आपका नाम कई बार ले चुका है तब से अब तक। बड़े बड़े लोग हमारा नाम लेते हैं, इस शहर के नेता हमारा नाम लेते हैं, पुलिस के अफसर भी हमारा नाम लेते हैं। तुम काम की बात बताओ। ठीक है, अब आप बुरा ना माने तो एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ?
बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगा। फिर भी सवाल क्या है? आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरी बीवी और एक बेटी। अच्छा, क्या नाम है आपकी बीवी का? रूपा। रूपा, रूपा जी, यानी आपका पहला प्यार। रूपा मेरी दूसरी बीवी है। मेरी पहली बीवी एक हादसे में मर गई, 5 साल की बच्ची छोड़कर। ओह, आई एम सॉरी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? रत्ना। रत्ना, बड़ा प्यारा नाम है। कौन से स्कूल में पढ़ती है रत्ना? स्कूल जाती थी लेकिन अब नहीं जाती, कुछ दिनों से बीमार है वो। बीमार है? किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं आप उसका? एसीपी, ये कौन सी इंक्वायरी कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ चक्कर क्या है। कुछ नहीं बाबू भाई, दरअसल आप इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे इसी शहर में रहना है, तो आप जैसे बड़े आदमियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। ठीक है एसीपी, फिर मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना पड़ेगा। जरूर, एनी टाइम। और कुछ पूछना है? फिलहाल तो इतना ही काफी है। ठीक है तो तुम जा सकती हो। पापा, पापा, पापा! रुक जा कंबल, बताती हूँ तुझे। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, पर तुम लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। पापा, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता। पापा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मरने के बाद भी मेरी बेचैन आत्मा उसके लिए तड़प रही है, क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसकी सौतेली माँ उसे मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर माँ सौतेली है तो क्या हुआ? उसका बाप तो उसका अपना बाप है ना? उसका बाप बाबूलाल इंसान की शक्ल में भेड़िया है। बेटा तुम अंदर जाओ। पापा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। और रोना बंद। जाओ। आओ बेटे। करना पड़ेगा इसे एसीपी को। ये आपको क्या हो गया एसीपी साधना सिंह? क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? सो मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ड्यूटी? बाबू भाई जैसे बड़े आदमी के घर में इस तरह घुस जाना, क्या आपकी ड्यूटी में शामिल है? जी? जी हाँ, जवाब दीजिए मुझे। सर दरअसल बात यह है कि मैं कुछ पुरानी फाइलें देख रही थी। सर क्या आप जानते हैं कि बाबू भाई की पहली वाइफ किसी हादसे में मारी गई थी? हादसे में और भी कई लोग मारे जाते हैं सर, लेकिन हर हादसा हादसा ही हो ये जरूरी तो नहीं है। देखिए एसीपी साधना सिंह, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपकी ईमानदारी का भी कायल हूँ, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत नहीं दे सकता
जिससे हमारे रिश्ते पर आंच आए। मैं समझती हूँ सर, लेकिन अगर किसी हादसे पर शक हो तो? आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के शक को यकीन में नहीं बदला जा सकता। आप जो कुछ भी करें अपनी गर्दन बचाकर करें, और बाबू भाई की शिकायत दोबारा ना आए इस बात का ध्यान रखें। एसीपी उस आदमी की पहुंच बहुत दूर तक है। इंसान की शक्ल में वो एक ऑक्टोपस है जिसके जिस्म पर सिर्फ हाथ ही हाथ लगे हुए हैं। फिर तो उसे दोबारा मिलने से पहले उसके सारे हाथ काट कर उसे आदमी बनाना होगा। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कमला, 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 आज मैंने तुम्हारी बेटी को देखा। वो सचमुच बहुत बुरे हाल में है। मैं यूं ही तो बेचैन नहीं थी। मैं मजबूर हूं, लेकिन आपके पास तो कानून की ताकत है। कानून की ताकत तो है कमला, लेकिन कानून सबूत मांगता है। मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है। तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? क्या वो भी मेरी तरह उनके अत्याचारों का शिकार होकर आत्मा बन जाएगी? नहीं कमला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। दरअसल सच्चाई तो ये है कि इन दिनों बाबूलाल बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एक राक्षस की तरह उसने अपने नाखूनों को लंबा और खतरनाक कर लिया है। मैं उसके ये खतरनाक लंबे नाखून काट कर उसकी सारी ताकत को खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उस पर काबू पाने के लिए मुझे उसके दिल में किसी ना किसी तरह से दहशत पैदा करनी होगी। उसकी किसी रग पर हाथ डालना होगा। काम बहुत सारे हैं और वक्त बहुत कम। जो भी करना है जल्द ही करना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी की मुक्ति आप ही के हाथों से होनी है। सिर्फ सिर्फ आप ही उसे उन जालिमों के पंजों से बचा सकती हैं एसीपी साहब। हाँ कमला, ये तो अब तय हो चुका है और फैसले की घड़ी भी बहुत जल्द आएगी। ये एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। हमारी ही ड्यूटी क्यों लगती है बंगले में, जंगल में, इधर उधर? गुड मॉर्निंग साहब। मुझे बाबूलाल मुल्तानी की फाइल चाहिए। क्विक जी। हो गई छुट्टी मैडम जी। ये जो बाबू भाई मुल्तानी है ना, वेरी डेंजरस मैन। आपसे पहले जो कदम बाबू थे ना, उन्होंने उसके काले कारनामों की फाइल तैयार की थी। मगर साहब, कार्रवाई करने से पहले उनका ट्रांसफर हो गया चंदनपुर के घने जंगल में। कहीं आपका ट्रांसफर। जितना कहा जाए उतना किया करो। के मुझे फाइल अभी और इसी वक्त चाहिए। और एक बात और, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, समझे? नहीं होगी, नहीं होगी कानो कान खबर। और इसके बाद इनकी भी खबर लेने वाला कोई नहीं होगा। अरे फाइल ढूंढ। Thank you.
देखो दवा की डोज बढ़ा दो, मैं चाहती हूँ काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। नहीं मैडम, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यह काम बड़ी सफाई के साथ, ताकि किसी को कोई शक ना। और आप कहती है कि डोज बढ़ा दो, अगर मैंने डोज बढ़ा दिया तो वो लड़की जल्दी खत्म हो जाएगी और उसका सारा का सारा शरीर काला पड़ जाएगा। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़िए मैडम, हम बैठे हैं ना, आप चिंता क्यों करती हैं? और जहां तक मैं समझता हूँ वो लड़की एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। ओ ओ भाई सलाम। ये कमीना पैसे लेने आया था? हाँ। क्या कहा उसने? उसका कहना है कि अगर हमने जल्दबाजी की तो नुकसान हमारा ही है। जल्दी तो हमें करनी पड़ेगी। मुझे उस एसीपी पे शक हो, पर मैंने उसका बंदोबस्त करा दिया, बहुत जल्द उसका इस शहर से ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ट्रांसफर ना हुआ तो? तो फिर मैं उसका ट्रांसफर इस दुनिया से ही करा दूंगा। कमला, क्या मैं समझ लूं कि मेरी अशांत आत्मा को मुक्ति दिलाने में आप मेरी सहायता करेंगी? मुझ पर पूरा विश्वास रखो, तुम्हारी बेटी अब जल्द आजाद हो जाएगी। मैं उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। एक बात बताओ कमला, बाबू भाई का कहना है कि तुम्हारी मौत एक हादसे में हुई। मेरे हाथ में जो फाइल है इसमें बाबूलाल की बाबू भाई बनने तक की पूरी हिस्ट्री है, लेकिन इस हादसे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरा एक सवाल है तुमसे, जिसका जवाब भी सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या सवाल है? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारी मौत के एक हादसे का रंग खुद बाबूलाल ने दिया था, और सारा शहर भी इसे एक हादसा समझता है, मगर मैं जानती हूँ यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। बाबूलाल ने तुम्हारा कत्ल किया है। अब तो मेरा बाबूलाल से मिलना बहुत जरूरी है। हेलो। हेलो, मैं एसीपी साधना सिंह बोल रही हूँ। हाँ बोलो एसीपी। बाबू भाई, दरअसल मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों, अभी मेरे बारे में और जानने की ख्वाहिश है क्या? मैं आपसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ और आपसे दोस्ती भी करना चाहती हूँ। दोस्तों के लिए बाबू भाई के दरवाजे हमेशा खुले हैं एसीपी साहिबा, आप कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे शाम को मिलने आती हूँ। ठीक है। आइए आइए एसीपी साहिबा, आइए तशरीफ रखिए। मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, बाबूलाल जी या बाबू भाई? कहने सुनने में क्या रखा है, असल बात एक दूसरे को समझने की होती है। बाबू भाई मैं समझ गई, अगर मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी तो फिर इस शहर में तो मैं आपको इस शहर के कमिश्नर की कुर्सी पर बिठा सकता हूँ। तो समझ लीजिए कि मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले मैं अपनी गलती की माफी तो मांग लूं आपसे। जब आपने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही लिया है तो माफी की क्या जरूरत, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम छोटी मोटी चीजें दिल में नहीं रखते। हाथ मिलाइए, ये हुई ना बात। रूपा रूपा, एसीपी साहिबा की खातिर बातें करो, बैठिए। एसीपी साहिबा, आपको दिल की बात बताऊं, आज आपने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के हमें खरीद लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं।
अरे रुपाओ, ये लीजिए। एसीपी साहिबा, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। छोटा सा तोहफा? इतना कीमती और इतना खूबसूरत हार मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एसीपी साहिबा, ये तो शुरुआत है। हमारी दोस्ती सलामत रहे, हम ऐसे तोहफों के ढेर लगा देंगे। ये हार तो मैंने लिया समझ लीजिए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये मैं तब लूंगी जब आप दोनों मेरे घर आए, मेरे साथ खाना खाए, तब इसे लूंगी मैं। अरे एसीपी साहिबा, डिनर ही करना है तो किसी बड़े होटल में चलते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि होटल का सारा स्टाफ आपकी सेवा में लग जाएगा। नहीं नहीं बाबू भाई, मुझे भी तो एक मौका दीजिए कि आप जैसी महान हस्ती के कदम मेरे घर में पड़े। और पता नहीं वैसे आप मुझे इस लायक समझे या नहीं, लेकिन अरे नहीं नहीं एसीपी साहब, आप क्या कह रही हैं? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। रूपा, हाँ हाँ जरूर आएंगे। आप लोग नहीं आएंगे? मैं आप लोगों को लेने आऊंगी, कहिए मंजूर? मंजूर मंजूर। अच्छा अब इजाजत दीजिए, आज शाम को आपको लेने आ जाऊंगी। एसीपी साहिबा, ये आप हमें कहाँ ले आई हैं? क्यों, मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। क्या? जी हाँ, अब एक पुलिस अफसर का घर तो किराए का ही होगा। पता नहीं आपके लायक है भी कि नहीं, लेकिन अंदर तो आपको आना ही होगा। एसीपी साहिबा, अंदर तो हम जरूर आएंगे, लेकिन अंदर की बात ये है कि क्या बात है? एसीपी साहब, ये घर और इस घर की एक एक चीज हमारी जानी पहचानी। क्या? चौंके मत, हम इस घर में रह चुके हैं। What a surprise! मुझे तो ये बात बिल्कुल पता ही नहीं थी। इसका मतलब ये मकान ऐतिहासिक है, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं। भाभी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? देखिए मेरा दिल मत तोड़िए, घर के गेट तक आकर अगर आप वापस चली जाएंगी तो फिर हमारी दोस्ती होने से पहले ही खत्म हो जाएगी ना। अरे नहीं नहीं एसीपी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्या हो गया, हम चलेंगे ना अंदर। चलो आइए आइए, चलो अंदर, चलो आइए आइए। लगता है कहीं बिजली गिरी। आप लोगों के कदम यहाँ पड़े और बिजली ना गिरे। बाबू भाई, लगता है बिजली भी आपका स्वागत कर रही है। आइए 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 ना। आइए बाबू भाई, प्लीज कम रूपा जी, आइए आइए बैठिए, फील कंफर्टेबल रूपा जी, बैठी ना, तशरीफ रखिए। एसीपी साहब, आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ बिल्कुल, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं काफी अच्छी कुक हूँ और उससे भी ज्यादा अच्छी होस्टेस हूँ। कहीं आपके लिए क्या लाऊं, ठंडा या गर्म? कुछ भी पिला दीजिए। I'll be right back। नहीं चलो यहाँ से, चलो। रूपा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स।
मैंने वहां भी किसी को देखा। वहां तो कोई भी नहीं है। वहां भी एक साया था। कोई नहीं है वहां, पगला गई हो तुम। मैं कह रही हूं वहां कोई था। एसीपी साहब ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम। वहां कुएं पर कौन है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या रहे हो? कमला हूं मैं। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाबू भाई, क्या हुआ? एसीपी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हें देख लूंगा तुम्हें। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि 5 साल से इस घर में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अब मेरी बारी है बाबूलाल, आज तुम मेरे हाथ से निकल कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम यहां से जिंदा चले गए तो तुम मेरी बेटी को मार डालोगे, और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं कमला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्या सब कुछ करने का अधिकार सिर्फ तुझे है? अब तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तूने बड़ा आदमी बनने के लिए एक माफिया की बेटी को फंसाया, उसे अपना बनाने के लिए अपनी बीवी को मार डाला, और उसकी मौत को एक हादसे का नाम दे दिया। लेकिन आज मैं तेरी जबान से सुनना चाहती हूं मेरी मौत की असलियत क्या थी, किस हादसे ने मेरी जान ली थी, और कहां हुआ था वो हादसा? नहीं कमला, नहीं, वो हादसा नहीं था, उसे हादसा मैंने बनाया और लोगों ने मेरी बात मान ली। तो बता सच क्या है, बता, वरना बता। ये बात तब की है जब रूपा मेरी जिंदगी में आई। देख बाबू, मुझसे चाल चलने की कोशिश मत करना। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ चाल कैसे चल सकता हूं? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं, और तुम मुझे। तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी हूं, बल्कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। और तुम जानते हो ना मैं किसकी बेटी हूं? दिनेश सरकारिया की। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं।
तब तूने उसे अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? उसे तलाक क्यों नहीं दे दिया? तलाक और कमला को? रूपा तुम उसे जानती नहीं, वो अपनी जान दे देगी मगर तलाक नहीं देगी। तो फिर उसकी जान दे। क्या? हाँ, तुम्हें उसकी जान लेनी है। कमला अकेली नहीं है रूपा, हमारी एक बच्ची भी है। तो पहले उसे खत्म कर और फिर अपनी बच्ची को। नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो सुन, अपनी बीवी का हिसाब तू चुकता कर, तेरी बेटी का हिसाब मैं देख लूंगी, ये पाप मैं कर लूंगी, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है बाबू। ठीक, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। ओ बाबू, अपनी पत्नी का खून करके तू बाबू लाल से बाबू भाई बन जाएगा। ये शहर तेरे कदमों में होगा, तो इस शहर का बेताज बादशाह होगा। करोड़ों में खेलेगा तू, करोड़ों में। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे मौके सिर्फ जिंदगी में एक बार ही आते, सिर्फ एक बार। इसे स्लो पॉइजन देकर ही मारना है ताकि इसकी मौत का शक हम पर नहीं जाए। आप चिंता मत कीजिए रूपा जी, यह जहर आज से उसके खून में शामिल है। मैंने जो कुछ भी किया रूपा को पाने के लिए किया। तूने अगर सिर्फ मुझे मारा होता तो शायद मैं तुझे मौत कर देती, लेकिन तेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि एक बाप होते हुए तू अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन गया, जबकि बाप तो अपनी बेटी पर जिंदगी निछावर कर देता है। मैं धीरे से कमरे में आया, मैंने तकिया तुम्हारे मुंह पे रखा ताकि तुम मुझे देख सको, और फिर मैंने तुम्हें गोली मार दी। अब तो तुम्हें इकरार है कि अपनी बीवी का खून तुमने खुद किया। जी एसीपी साहिबा, और मैंने कमला की लाश यही दफना दी थी। इसीलिए तो
तब से मेरी आत्मा यहीं पर भटक रही है। एसीपी साहब, मुजरिम तो पकड़े गए, कानून उन्हें सजा भी दे देगा, लेकिन मेरी बेटी रत्ना का क्या होगा? साहब, हम रत्ना बिटिया को ले आए। गिरफ्तार कर लो बाबूलाल को। जी। चल बेटा, चल बेटा ससुराल, वहां करेंगे तेरी सेवा डंडा उठा के। एसीपी साहब, आपने जो एहसान मुझ पर किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाला है, लेकिन अब इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं इसकी देखभाल करूंगी। एक बेटा तो है मेरे पास, अब एक बेटी भी मेरे साथ रहेगी। मम्मी! मम्मी, आप ठीक कहती थी, मुझे भी एक बहन मिल गई। आंटी, मैंने तो भूत के बारे में कुछ उल्टा सीधा ही सुना था, पर आप तो बहुत अच्छी है। शुक्रिया जॉनी। एसीपी साहब, अब मैं चलती हूँ। आपकी मेहरबानी से इस प्यासी आत्मा की प्यास बुझ गई।